Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संयोजक दिल्ली प्रदेश के हाफिज गुलाम सवर ने धारा 370 का समर्थन किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को लेकर किया प्रदर्शन। हाफिज गुलाम सवर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। हमने ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सवर से बात की। हाफिज गुलाम सवर, जैसे हम देख रहे हैं 370 धारा और पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोग पुतला लेके भी खड़े हैं। 370 पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने उसको जो सुधारने का काम किया है, जो 70 वर्षों की त्रुटि थी उसमें जो सुधार किया, हम लोगों ने उसका स्वागत किया और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से ये भी मांग किया कि जैसे आपने 370 में सुधार कर जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का मतलब प्रयास किया है, भारत के 14 करोड़ मुसलमानों को भी आप मुख्यधारा से जोड़े। और नेहरू जी द्वारा 1950 में एक और गलती हुई थी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में भी उन्होंने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था और भेदभाव की राजनीति शुरू कर दी थी भारत के अंदर। हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध हम लोग निरंतर कर रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा दरअसल उसी के विरोध में वजूद में आया और ये लड़ाई मुस्तकिल लड़ रहा और लड़ते रहेंगे। और अब हमको आशा उम्मीद हुई है कि नेहरू की उस गलती का भी सुधार हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये तो हमारे 341 जो है वो SC को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है और उसमें रिलीजियस बाइंडिंग है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तब भी लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नकार दिया कि नहीं, कतई इसके अंदर धर्म शब्द नहीं आएगा। धर्म के आधार पर किसी को कुछ देना और लेना ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 15 का, 16 का, 25 का, सबको वायलेट कर रहा है। सर, जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसका पुतला यहाँ लेके आप। हाँ, तो मैं उसी ओर आ रहा हूँ। तो चूंकि ये मामला था तो ये संदेश भी हमने प्रधानमंत्री को पहुँचा दिया, लेकिन ये तो एक अलग मैटर है, प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और हम समझते हैं शायद कर भी रहे हैं, हम लोगों ने अपनी आवाज़ पहुँचा दी। अब इस बीच में पाकिस्तान टांग अड़ाने लग गया, जब भी कोई बयान दे रहा तो मुसलमानों का नाम लेकर दे रहा, जब बयान दे रहा तो भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, तो अत्याचार हो रहा, तो ऐसे हो रहा, तो वैसे हो रहा। हम लोगों को ये लग रहा है कि इसके इस बयान से भारत के मुसलमान आहत हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरी भावनाओं के विपरीत बयान दिया जा रहा। पाकिस्तान को ये अधिकार बनता नहीं है, सैद्धांतिक रूप से भी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वो छोटा देश है, उसकी आबादी भारत के मुसलमानों की आबादी से कम है। तो ऐसे भी हम बड़े हो गए और हमारा देश इतना महान है तो हम भारतीय होने के नाते भी बड़े हो गए, तो इस दोनों दृष्टि से। और तीसरी बात यह है कि हमने हमेशा आतंकवाद को झेला और उसका विरोध किया और उसने आतंकवाद को दूध पिलाया है, तो उसको तो ये अधिकार है ही नहीं कि वो हमें कुछ जो है पाठ पढ़ाए, सबक सिखाए या हमें ये बताए कि नहीं ऐसे रहना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री को ये कहे कि माइनॉरिटी को आप ऐसे रखो। वाह भाई वाह, तुम अपने यहाँ माइनॉरिटी को मार रहे हो, तुम्हारे यहाँ भी हमले हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो जो मुस्लिम के नाम पर था, जब इस्लाम की बात करते हो, मुस्लिम मुहाजिर जो गया था वो अब तक परेशान है, वहाँ मेनस्ट्रीम में नहीं आ सका। तो अपनी समस्याओं पर पर्दा मत डालो, अपनी समस्याओं की तर को ख़त्म करने की ओर आप आगे बढ़ो। भारत की जो समस्याएं हैं वो कोई समस्या नहीं है, हम लोग हमेशा मिल बैठकर शॉर्ट आउट करते रहे, हमारे यहाँ बड़े बड़े मामले हुए और सरकार से हम लोगों ने वार्ता की। हमारे डेमोक्रेसी में वार्ता के लिए बहुत सारा गैप है, जगह है, हम वार्ता करते हैं, हम बात करते हैं, सरकार कभी मानती है कभी नहीं भी मानती है, फिर दूसरी सरकार आ जाती है, मान ले ऐसे ही चल रहा, तो हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगे कि एकदम ज्वलंत है, इसका कोई अब समाधान नहीं होगा। भारत के मुसलमान हैं वे खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि जैसे उनके बयान आ रहे बार बार बीच में मुसलमानों के खिलाफ कि जो भारत, इसीलिए वो बार बार बयान दे रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि हमारी ये जो तकरीर होगी ना ड्रामे वाली, तो इससे भारत के मुसलमानों में एक आक्रोश हो जाएगा सरकार के खिलाफ और हमको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा भारत के मुसलमानों का। वो मूर्ख ये सोच रहा था कि इस तरह ऐसी ऐसी तकरीर करने वाले हमारे यहाँ चौक चौराहे पर खूब है, जो रोज़ कर रहे हैं, भारत में इतने मौलाना हैं, इतने मुकर्रर हैं कि रात रात भर वो तकरीर करते, वो तो थक गया था। मैं सुन रहा था उस वीडियो को तो लग रहा था जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया, मैं अभी 3 घंटे से बोल रहा हूँ, बगैर खाए पिए बोल रहा हूँ लगातार, क्योंकि मैं 9 बजे ही यहाँ आ गया था, आपने देखा भी होगा बल्कि।
तो मैं तो थका ही नहीं हूँ, और वो सदन में भाषण दे रहा तो ऐसा लग रहा जैसे खाना नहीं खाया, और वो बात कर रहा भारत की। और भारत में एक एक मौलाना ऐसी तकरीर करते हैं कि लगता है कि सुनने वाला ही उड़ जाएगा हवा में। हमारे यहाँ खूब बहुत मुकर्रर बैठे हुए हैं। तुम आप जो जज्बाती तकरीर करके तुम इमोशनल सोचते हो, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। 70 साल में यही हमने सीखा, तुम हमको ब्लैकमेल करोगे। तुम्हारे लोगों ने पहले ब्लैकमेल किया, जिन्ना ने पहले ब्लैकमेल किया, देश का वातावरण बिगाड़ा, देश को बांटा। एक जख्म हमको उस समय मिल गया, उसके बाद तुमने फिर लगातार कश्मीर में टांग अड़ाया, फिर तुमने आतंकवाद भेजे यहाँ, हम वो जख्म भी झेल लिए। हम अब जख्म नहीं झेलने को तैयार हैं, हम अब ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, भारत का मुसलमान आगे बढ़कर उस पर कार्रवाई करेगा। ये मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भी डांट लगाए और उसके इस बयान पर रोक लगाए, वरना भारत का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये बयान आज के बाद दोबारा आया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पाकिस्तान एम्बेसी का घेराव करेंगे और ज़बरदस्त घेराव करेंगे। तो कहना ये है कि गली हुआ, मोहल्ला हुआ, शहर हुआ, घर हुआ, मकान हुआ, कहीं भी हुआ, अगर हम आपस में इतिहास से मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो कोई भी हम पे हावी हो जाता है। हम आपस में अगर मोहब्बत से रहेंगे, किसी भी धर्म किसी भी कास्ट की कैसी बात नहीं करेंगे, तो भारी मुल्क हम पर हावी नहीं होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं 2 लाइन गा के सुनाऊंगा, क्योंकि मैं साबुन हुसैन हूँ, फनकार हूँ, मेरा ये फ़न है। वो ये है, ये देश है हमारा इसको सवार लो, ये देश है हमारा इसको सवार लो, आपस में बैर छोड़ो, एक दूजे को प्यार दो। दहशत में जी रही है नारी अब हर घड़ी, दहशत में जी रही है नारी अब हर घड़ी, हिफाजत है किस जगह पे ये मुश्किल है बड़ी, बहन बेटी बच्चियों के कल को सवार लो, आपस में बैर छोड़ो, एक दूजे को प्यार दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे हमारे आंतरिक मामलों में बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर के मामले में बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.